गुड इवनिंग एवरी वन तो आज है हमारा हॉर्टिकल्चर का मॉडल टेस्ट नंबर नाइन इसमें कि हम अभी तक 240 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं आज 240 क्वेश्चन के आगे हम चलेंगे जैसा मैंने आपसे बोला था कि ये एक सीरीज है जो कि आपकी जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हॉर्टिकल्चर में हो सकते हैं थाउजेंड टू थाउजेंड जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने हम कराएंगे बाकी अदर सब्जेक्ट के भी इसी सीरीज में आगे ऐड हो जाएंगे क्वेश्चन ऐड होने का मतलब है कि मान लीजिए एनिमल हस्बेंड्री का चालू करेंगे तो वो भी आपका वन से ही स्टार्ट होगा लेकिन वो जहाँ तक उसकी सीरीज चलेगी वहाँ तक आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन चलने वाले हैं आई बी पी एस ए एफ ओ दो हज़ार बाईस के लिए कोर्स लॉन्च जो है हमने किया हुआ था लगभग दो महीने पहले उसकी लिंक मैंने पिन कर दी है यदि आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं थ्योरिटिकल मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लेकर आता हूँ थ्योरी के बारे में बिल्कुल आपको नहीं पढ़ाता हूँ थ्योरी यदि आपको चाहिए चार हज़ार रुपये फीस है एक साल की तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन से वहाँ पे वीडियोस डली भी हुई हैं 36 सिक्स वीडियोज अभी तक हमने वहाँ पे डाल दी हैं सारे के सारे नोट्स आपको दे दिए जाएंगे पीडीएफ नोट्स आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर दे दिए जाएंगे जब आप उसे परचेस करेंगे कोर्स को तो आगे चलें आगे बात करते हैं हम तो यहाँ पर हमने कर लिया था बाकी आपको बुक्स वगैरह यदि किसी एक बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप हमारी ऐप से जाके परचेस कर सकते हैं बुक्स वाले सेक्शन में जाके तो आगे चलें भाई आगे यहाँ पर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी कल टू फोर्टी तक मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी वन की तरफ हम मूव करते हैं एक बार मैं चेक कर दूँ क्लास अपनी ऐसी चल रही है ठीक चल रही है नहीं वन सेकेंड हाँ सपना केडी एंड वन रेशो टू पॉइंट जीरो वन के ने आंसर भी दे दिया चलिए बहुत अच्छी बात है हाँ क्लास ठीक चल रही है भाई आगे मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स देख लूंगा तो क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी वन हमारे पास है द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ऑफ बोअर सिस्टम ट्रेनिंग इन ग्रेप जो ग्रेप होता है हमारा अंगूर होता है उसमें आपको बताना है कि जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो होता है वह कितना होता है किसमें बोअर सिस्टम की हम बात करें अब यह जो बोअर सिस्टम है यहाँ से दो तो क्वेश्चन तो हमें सीखने को मिल सकते हैं एक है हमारा कि जो बोअर सिस्टम है यह किससे रिलेटेड है ग्रैप से रिलेटेड है क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि बताइए ग्रैप में किस प्रकार का सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है तो यह है यहाँ पे बोअर सिस्टम अब यह जो बोअर प्रणाली है यह बोअर प्रणाली है यहाँ पे ट्रेनिंग की प्रणाली इसकी एक प्रकार का ट्रेनिंग सिस्टम है अंगूर के पौधे को साधने का सिस्टम है ट्रेनिंग को हम हिंदी में बोलते हैं सधाई। साधने का सिस्टम है जिसके दौरान हम वो सिस्टम प्रणाली हम यूज करते हैं अब इसमें ratio, हमें बताना है तो वन इज वन रेशो टू पॉइंट जीरो नाइन इज टू वन तो यहां पर के ने आंसर दिया है सी uh, वाला और सपना रावत ने भी आंसर दिया हुआ है सी वाला तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी वन रेशो टू पॉइंट जीरो नाइन ओके आगे चलें आगे बात करें क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी टू इज दी वेजिटेबल कंटेनिंग हाइस्ट विटामिन ए इनमें से किस वेजिटेबल में विटामिन ए का कंटेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसके पहले एक बात और बता दूं एनिमल हस्बेंड्री का जो टेस्ट आपका आने वाला है उसमें मैंने क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में कर दिया है लेकिन जो आपके ऑप्शन है वो सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे ठीक है तो क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा लेकिन जो आपके ऑप्शन है वो सिर्फ ऑनली इंग्लिश में रहेंगे तो ये थोड़ा सा उसमें मैंने चेंजेस कर दिए हुकुम्बर है पॉइंटेड गार्ड है पंपकिन है या फिर काउपी है के डी जी का आंसर आया पंपकिन भाई सभी को मैंने लिंक तो भेजा हुआ था बट आज बच्चे जो है वो थोड़े से कम ज्वाइन हुए हैं हो सकता है कहीं और आपके जो हैं वो बिजी हों

आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपके दिमाग में सारा कुछ आना चाहिए क्वेश्चन नंबर पर मूव करें। जो होती है mango में उसे हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं किसके छिड़काव से सेल तार या फिर टू अब यहाँ पे कल तार और कोलतार दो सिमिलर ऑप्शन बना दिए गए बट आपको आंसर यहां पे करना है कि हम इनमें से किसका छिड़काव करेंगे जिससे अल्टरनेट बियरिंग को कंट्रोल

किस टाइप से होते हैं तो उसका आंसर क्या था टर्मिनल टर्मिनल तो ये सब भी याद रखते जाना भैया आगे पार्ट पीछे सपाट वाला काम ना करना नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी फोर है हार्वेस्ट इंडेक्स इज अ रेशो ऑफ हार्वेस्ट इंडेक्स का सही फॉर्मूला आपको बताना है किसका रेशो होता है बायोलॉजिकल यील्ड अपॉन इकोनॉमिक यील्ड आपने पढ़ रखा होगा फॉर्मूला भी आपको बताने की कौन सा ये ज्यादातर लोगों का सही होना चाहिए आंसर करें आंसर कीजिए थोड़ा सा जल्दी पुरुषोत्तम जी बी मानसू इकोनॉमिक अपन लीड के डी इकोनॉमिक अपन बायोलॉज बिल्कुल सही है भाई सभी का जितने भी बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सही है नॉर्मली हम इसे जल्दी में बोल देते हैं ई आई अपॉन बीवाई इंटू हंड्रेड जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हंड्रेड का यहाँ पर इंटू हम कर देते हैं दे परसेंट भी हमें लिखना चाहे तो हमारा पॉइंट में आंसर चला जाएगा जैसे कि हार्वेस्ट इंडेक्स किसी ने फोर तो मतलब पॉइंट पता है क्या जनरली जो दाना अपना निकल रहा है जो इकोनॉमिक जिसे हम बेच कर पैसा कमाते हैं सिंपल सी बात है उसी को हम इकोनॉमिक कहते हैं बाकी जो भूषा होता है उसे अपन बायोलॉजिकल्ड में जा प्लस दाने का जो तो भी आपका वजन रहेगा उसे बायोलॉजिकल ईल्ड में काउंट हम करेंगे आगे चले आगे बात करें क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी ब्लॉची राइपनिंग ऑफ टोमेटो अब ब्लॉची राइपनिंग ऑफ टोमेटो किसके कारण होता है फंगस के कारण हायर टेम्परेचर के कारण पोटेशियम की डेफिशिएंसी के कारण या फिर बैक्टीरिया जीवाणु के कारण यहाँ पर मैंने हिंदी भले ही इंक्लूड नहीं किया है लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं हिंदी एक बार यहाँ पर बता देता हूँ तो आप लोग आंसर करने की कोशिश करें ब्लॉची राइपनिंग अब यहाँ पे पकने से संबंधित ब्लॉची का मतलब क्या है कि यहां पे ब्लॉच आपको धब्बेदार टमाटर दिखाई देंगे वह किसके कारण है पोटेशियम डेफिशिएंसी हिमांशु पुरुषोत्तम जी डोनाल्ड ने कॉन बिल्कुल कॉइन जो टर्म किया था हार्वेस्ट इंडेक्स वो डोनाल्ड ने किया था बहुत अच्छे हम्म सपना रावत पोटेशियम डेफिशिएंसी प्रियंका सिंह पोटेशियम डेफिशिएंसी टू फोर्टी फाइव तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर पोटेशियम डेफिशिएंसी के कारण यहां पे हमें राइपनिंग देखने को मिलती है टमाटर में चलिए भैया चले आगे बात करें क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी सिक्स दर्म हाइड्रोपोनिक्स वॉज ड्राइव्ड बाय हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा लेकिन आपको बताइए कि हाइड्रोपोनिक्स जो टर्म है वह किसने ड्राइव किया हुआ था बॉयले ने, ने जेमसन ने या फिर लिकॉन ने आंसर करें चलिए तो सेट चेल के डीजी बी आंसर कर रहे हैं ओके डेली यहाँ पर भाई अपना क्लास होती है सारे लोग आ सकते हैं और इसका सही आंसर है बिल्कुल सर्चल हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है जल में खेती क्या होता है इसका मतलब जल में खेती यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें खेती की बात करें तो हम थ्री स्फीयर्स की बात करते हैं एक होता है जियोपोनिक्स एक होता है हाइड्रोपोनिक्स और एक होता है एरोपोनिक्स ठीक है तीन स्फेयर में हम बात करते हैं यदि हम खेती की बात करें जियोपोनिक्स यानी कि जो हम नॉर्मल खेती करते हैं कोईल के साथ कोयल कल्टीवेशन की बात करें तो जियोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स जल में खेती मतलब कि इसमें हम सोयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का यूज जो है वो होता है जल में जाके अपन खेती करते हैं टाइफा घास में कश्मीर में डल झील में आपने देख रखा होगा एग्जाम्पल इसके देखे होंगे एरोपोनिक्स हवा में खेती हवा में हालांकि खेती होती है लटके रहते हैं पौधे लेकिन उनको न्यूट्रेंट तो दिया जाता है और न्यूट्रेंट दिया जाता है जल के ही माध्यम से फब्बारों के माध्यम से उनको न्यूट्रेंट दिया जाता है तो वो एक प्रकार का अपना है तो हाइड्रोपोनिक्स टर्म दिया था सेट चल क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी सेवन फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया इज रिटर्न बाय ये एक बुक है फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया यह किसके द्वारा लिखी गई थी आंसर करें हाँ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सपना रावत जी इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो पानी होता है हाइड्रोपोनिक्स की जो खेती की जाती है पानी वहाँ पर रहता है एक प्रकार से यदि एक नली की हम बात करें एक नली भी आप बिछा सकते हैं उसमें पानी आपका सतत बहता रहता है पहले से जो न्यूट्रेंट का मिक्सअप आता है उसे आप पानी में मिला दीजिए जितनी भी आवश्यकता है पानी बहता रहता है न्यूट्रेंट जो है वो लेते रहते हैं पौधे इसका आंसर बताइए एम एस रंधावा ओके एम एस रंधावा की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हॉर्टिकल्चर की जितनी भी बुक्स अपन पढ़ते हैं सारी की सारी एम एस रंधाबा की ही ज्यादातर हम इंडिया में पढ़ते हैं लेकिन फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई है डब्ल्यू बी एज के द्वारा एम एस रंधाबा जितने भी बच्चे बोल रहे हैं भैया गलत है ठीक है जरूरी नहीं है कि जो अपन ने सुना हो वही आंसर हो हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ क्वेश्चन नंबर टू फिट फोर्टी एट गणेश गोल इज अ हाइब्रिड ऑफ अब आपको बताना है जो गणेश गोल है या फिर आप इसे गणेश गोले भी पढ़ रहे होंगे कुछ लोग वह तो किसका एक हाइब्रिड है शंकर है कैबेज का कॉलीफ्लावर का टोमेटो का या फिर ब्रिंजल का किसका है भैया बताइए जरा आंसर करें जल्दी में गणेश गोल इज हाइब्रिड वेराइटी ऑफ हाइब्रिड किसका है कैबेज कॉलीफ्लावर टोमेटो ब्रिंजल और रितेश श्रीवास्तव जी बी आंसर कर रहे हैं आंसर थोड़ा सा जल्दी करें नहीं तो फिर मैं जल्दी में बता दूंगा हम्म चलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कैबेज क्योंकि बच्चों को नहीं आता है तो वो आंसर नहीं करते क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी नाइन मधुबिंदु इज एन एक्सपोर्ट कल्टीवार अब ये तो आपको पता ही होगा कि मधु बिंदु किसका कल्टीवार है पपाया पाइन एप्पल ऑनियन या फिर गार्लिक ये एक एक्सपोर्ट करने वाला कल्टीवार है किसका है हिमांशु जी कैबेज मैंने बता दिया था अब इसका आंसर करें जरा टू फोर नाइन का हुँ. अच्छा ओनियन का बता रहे हैं हिमांशु जी ने ओनियन बताया रितेश बता रहे हैं है, ओनियन सपना रावत ओनियन कुमार जी ए तो यहां पर रितेश सपना हिमांशु आपका तो पपाया। पपाया बोरर एक एक इज सीरियस पेस्ट ऑफ अब यहाँ पर बेरी आपको बताना है कि बेरी बोरर जो है किसका एक सीरियस पेस्ट है ग्रेप का टोमेटो का स्ट्रॉबेरी का या फिर कॉफी का अब यहाँ पे स्ट्रॉबेरी में बेरी लगा हुआ है लेकिन ध्यान से थोड़ा सा आप लोग आंसर कीजिएगा हम्म बेरी बोरर एडी जी ने बताया कॉफी ओके okay. सपना रावत डी कॉफी सपना रावत uh, रितेश श्रीवास्तव डी कॉफी uh, मतलब ज्यादातर बच्चे कॉफी पर जा रहे हैं ओके ऑप्शन नंबर डी कॉफी और ये कॉफी जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है बेरी बोरर एक सीरियस पेस्ट है कॉफी का आगे चलें आगे बात करें क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी वन की ग्रीन चाइना इज ट्रेड नेम ऑफ ग्रीन चाइना इनमें से किसका एक व्यापारिक नाम है ट्रेड नेम है स्पाइस का कुका टोबैको का इंसेक्टिसाइड का या फिर चाय का किसका एक ट्रेड नेम है सुरेश जी आपका भी बिल्कुल सही है कॉफी रीतेश आपका तो सही था ही किसका एक ट्रेड नेम है ग्रीन चाइना बहुत सिंपल है यदि आपने थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आंसर बिल्कुल आपका सही हो सकता है बहुत सिंपल आंसर इसका है रितेश श्रीवास्तव जी टी ओके और दो चार बच्चों के थोड़े से कमेंट देख लें फिर इसका आंसर हम बताते हैं शिव कुमार यादव डी मतलब तो टी पर ही जा रहे हैं और कोई चलिए और कोई नहीं है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है टी क्योंकि आपको पता है जो टी है ग्रीन चाइना ग्रीन टी की यदि अपन बात करें तो मोस्ट फेमस है आपके चाइना तो ग्रीन चाइना जो वो ट्रेड नेम है वो है आपका टी का आगे चलें आगे बात करें क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी टू की गॉम्फ्रेना ग्लोब्योज इज अ सीजनल एनुअल अब ये जो गॉम्फ्रेना है ये एक प्रकार का फ्लावर है मैं आपको पहले बता दूं ये ये क्या है एक प्रकार का फ्लावर है ये पूरा उसका नाम दिया हुआ है गॉम्फ्रेना ग्लोबोस फ्लावर है अब आपको बताना है कि ये जो फ्लावर है ये जो हमारा पौधा है या किस सीजन का एनुअल है ये भी ध्यान रखना कि गॉम्फ्रेना जो है वो एनुअल है अब सीजन को बताना है रेनी सीजन का है विंटर का है स्प्रिंग का है या फिर समर का है ध्यान तो ये भी रखना है आपको कि एनुअल ही है ये बायुअल नहीं है आपको बताना गॉम्फ्रेना है, है कहाँ का समर के डी जी ने बताया समर मतलब ऑप्शन नंबर डी ओके टू फिफ्टी टू एक ही आंसर मेरे पास अभी आया है मुझे आंसर थोड़े जल्दी बताना पड़ते हैं बच्चों को क्योंकि फिर क्या है कि आप लोग बोर होने लगते हैं रितेश श्रीवास्तव सी चलो दो आंसर आ जाते हैं तो मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूं ये सी गलत है डी जो है बिल्कुल के डी ने सही बताया था ऑप्शन नंबर डी समर सीजन एनुअल है एनुअल भी ध्यान रखना है मैं फिर बार बार इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गॉम्फ्रेन एनुअल है पेरेनियल है, है तो एनुअल है टी कल्चर इज अनोनम ऑफ अब सॉरी टी नहीं ट्री कल्चर ट्री को कल्चर आप कर रहे हैं पेड़ पौधे लगा रहे हैं या फिर ट्री के बीच में कुछ भी कल्चर कर रहे हैं तो यह किसका सिनोनम है अरबोरी कल्चर का सिल्वी कल्चर का हॉर्टी कल्चर का या फिर फ्लोरीकल्चर का सिंपल क्वेश्चन है अरबोरी कल्चर ओके बहुत सिंपल क्वेश्चन है सिल्वी कल्चर जयंती तिवारी सी हॉर्टी कल्चर अरे भाई अपना रावत ए यदि आपको पता हो ट्री कल्चर को हम अरबोरी कल्चर भी कहते हैं बनो में जब हम कभी भी कल्चर करते हैं तो यह अरबोरी कल्चर आपका कहलाता है सिल्वी कल्चर जिसने भी बोला वो सही नहीं है आपको देख लेना है कि सिल्वी कल्चर आपका क्या है सिल्वी कल्चर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बनो के बीच में जो खाली भूमि आपकी पड़ी होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ ले जाकर लगाते हैं वो आपका सिल्विकल्चर में था हॉर्टिकल्चर में तो भैया फिर बहुत सारे आपके आ जाते हैं उद्यान है हॉर्टिकल्चर में मेजरली हम फ्रूट्स की बात करते हैं वेजिटेबल्स की बात करते हैं ऑर्नामेंटल गार्डनिंग की बात करते हैं देन आपका मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं पाँच ब्रांचेस हैं हॉर्टिकल्चर की क्लियर है देन फ्लोरिकल्चर तो इसी का पार्ट है फूल वाला हरबोरीकल्चर सही है सिल्विकल्चर नहीं है के आपका गलत हो गया क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी फोर जैकेरेंडा मिनोसिफोलिया फ्लावर्स आर इन कलर अब यहां पे ये जो जैकेरेंडा है यह एक फ्लावर है और इसका पूरा नाम यहां पर दे दिया गया है कि जैकरेंडा मिनोसिफोलिया के फ्लावर किस कलर के होते हैं रेड कलर येलो कलर ब्लू कलर ऑरेंज कलर ऑरेंज <coughs> ओके रीते श्रीवास्तव टू फिफ्टी फोर का सी ब्लू भी दे रहे हैं कुछ बच्चे ऑरेंज डी भी दे रहे हैं सुरेश जी अरबोरी कल्चर हो चुका है यहां पे जयंती तिवारी डी ऑरेंज दे रहे हैं मतलब ज्यादा बच्चे ऑरेंज यहां पर प्रेफर कर रहे हैं लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ब्लू अब मैं देख लेता हूं ब्लू किसने आंसर किया हुआ था ब्लू किया था रीतेश श्रीवास्तव ने रीतेश आपका आंसर सही है बाकी का गलत क्वेश्चन नंबर टू कोरिएंडर बिलोंग्स टू फैमिली बहुत सिंपल क्वेश्चन है धनिया किस फैमिली से बिलोंग करता है एपीएसी कॉम्बेलीफेरी एसक्ले या फिर ग्रेमिनी 255 कुरियंडर किस फैमिली से बिलोंग आपका करता है हिमांशु जी एपीएससी रितेश श्रीवास्तव बी यानी कि कॉम्बेली फेरी सपना रावत ए मालती देव बी ए और बी में बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं मैं एक बात आपको बता दूं जो कुरियंडर है वो आपका ए एपीएससी फैमिली से बिलोंग करता है अम्बेली फेरी जिसे आप कहते हैं ठीक है अम्बेली फेरी आप लेकिन आप इसके कॉम्बेली फेरी को यदि अम्बेली फेरी समझ रहे हैं तो ये आपका गलत है आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाला गया ये ऑप्शन नहीं है एसकलपेडीसी भी नहीं है ग्रेमिनी भी नहीं है एपीएससी सही है पहले एपीएससी अभी हम अम उसे अंबेली फेरी पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी सिक्स ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वहां भी आप कन्फ्यूज हो जाओगे लेकिन एक बार यदि कहीं पर देख लोगे जैसे यहाँ पर ही क्वेश्चन आपने एक बार देख लिया तो एग्जाम में भी जाके अपना सही होना है तो इसीलिए क्वेश्चन देखना ज़्यादा जरूरी है यदि आपने थ्योरी पढ़ रखा है तो थ्योरी नहीं पढ़ा है डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं तो इसमें आपका नुकसान होगा नुकसान क्या होगा मैं बता दूं यहां पर आपके मान लीजिए तुक्के में भी सही निकल गए क्वेश्चन तो आप क्या सोचोगे अपने आप को ज्ञानी मानने लगोगे अरे हमारे क्वेश्चन तो सही होते हैं हमारे तो गलत नहीं होते ऐसे ही एग्जाम में सही हो जाएंगे नौकरी लग जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होता मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है भैया पोस्ट हार्वेस्ट स्प्राउटिंग इज अ प्रॉब्लम ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में स्प्राउटिंग किस में होती है पोटैटो में स्वीट पोटैटो में ओनियन में कैबेज में एक प्रॉब्लम है बताइए 256 का भी सी बता दिया लोगों ने ओनियन में अच्छा ओनियन ओनियन सारे लोग ओनियन बता रहे हैं भैया क्या बात है तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओनियन इज द पोस्ट हार्वेस्ट स्प्राउटिंग इसको हार्वेस्ट जब हम करते हैं उसके बाद में भी इसमें स्प्राउटिंग होती है ये एक प्रॉब्लम हो जाती है हमारे ओनियन में अब आप बोलोगे सर पोटैटो में भी तो आंखें निकलने लगती बहुत दिनों बाद लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं उसे आप निकाल के उसे यूज कर सकते हो लेकिन इसमें धीरे धीरे इसकी जो क्वालिटी है

अर्ली uh, कुछ बता रहे हैं शिव कुमार यादव ने अर्ली बताया हुआ है ओके okay. जयंती तिवारी मीडियम बताया हुआ है ठीक है भैया मालती देव भी अर्ली बताया तो अर्ली और मीडियम वाले गलत हैं यह है एक लेट वैरायटी है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मजदूर जो है एट पाम की वैरायटी है बट यह है एक लेट मैच्योरिंग वैरायटी है ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी एट बाई सेक्सुअल फ्लॉवर आर ऑल्सो नोन एज बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपने पढ़ा होगा बाई सेक्सुअल फ्लॉवर देन मोनोसियस डायोसियस एंड बाइसेक्सुअल या हर्मोफ्रोडाइट फ्लॉवर इसे हम किस नाम से और जानते हैं बाईपैक्टिनेट डाइसेक्सुअल बाई, बाई स्पोर स्पोरेंजिएट या फिर इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन बहुत अच्छा है देखते हैं आंसर कितने लोग देंगे बाईपैक्टिनेट

फॉस्फेट का यानी कि फॉसफोरस को सोलुब्लाइज करने का काम करता है वैसे यदि हम को देते हैं मिट्टी में तो क्या होता है भाई एक स्थान पर जमा हो जाता है अब जब तक वह घुलेगा नहीं पानी के द्वारा जड़ों तक नहीं पहुंचेगा तब तक पौधे उसे लेंगे नहीं तो किसी को तो घोलना पड़ेगा इनमें से कौन घोलता है पेनिसिलियम एस्परजिलस एजोस्पायरेलम या फिर ए एंड सी मतलब कि पेनिसिलियम और एजोस्पायरेम सिंपल क्वेश्चन है आपको पता होगा ऑप्शन नंबर डी सही है ए एंड सी यानी कि पेनिसिलियम भी है तो आप सभी को पता होगा लेकिन पेनिसिलियम का भी ध्यान रखिएगा कि ये भी एक फॉस्पेड सोलिब्लाइजर की तरह काम करता है क्वेश्चन नंबर टू सिक्स डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आई के अंतर्गत न्यू दिल्ली में कब स्टेब्लिश हुआ आई में है सबसे पहली बात तो अपना जो डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग है वह कहाँ पे स्थित है

ऑप्शन ए सही है नाइनटीन थ्री जो बताया था हिमांशु ने रितेश सिक्सटी नाइन आपका गलत है कपूर कुमार सी गलत है मालती देव देवी बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी वन द बुक हॉर्टिकल्चरल साइंस वॉज रिटर्न बाय हॉर्टिकल्चरल साइंस बुक किसके द्वारा लिखी गई डब्लू वी हेज जैनिक लिबिक या फिर डॉक्टर सलीम अली टू सिक्सटी वन हाँ जी आंसर करें नंबर का आंसर कीजिए किसके द्वारा साइंस बुक लिखी गई की विज्ञान क्लास खत्म होने के बाद यदि आप आईबीबीएस में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी लिंक पिन मैंने की हुई है एक बार वहां जाके आप कोर्स पर विजिट कर सकते हैं चलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जेनिक क्योंकि किसी को पता नहीं होगा तो किसी ने इस पर नहीं बताया बहुत अच्छी बात है जहां पर नेगेटिव मार्किंग की बात होती है वहां पर ऐसे ही चुपचाप खड़े रहना समझदारी वाला काम होता है क्वेश्चन in नंबर कौन सा स्टेट है जो कि फ्लॉवर के एसिरेज में सबसे ज्यादा अपनी भूमिका अदा करता है तमिलनाडु प्रदेश कर्नाटक वेस्ट बंगाल टू टू कर्नाटक अच्छा का आंसर बड़े जल्दी आ गया सपना रावत जी सी के डी जी कर्नाटक और कोई उम्मीदवार रितेश सी सजल जैन डी सजल जैन जी बेस्ट बंगाल नहीं है ऑप्शन आपका डी थोड़ा सा गलत हो गया ऑप्शन सी सही है कर्नाटक कर्नाटक इज द राइट right आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है फ्लॉवर लार्जेस्ट स्टेज फ्लॉवर ऐसी सीरीज में कर्नाटक आपका सही है क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी थ्री इज द मेन स्टैंड्रेशन टेक्निक्लावर्स एट एन बी आर आई लखनऊ कौन है भैया जिन्होंने डिहाइड्रेशन टेक्निक को standard, uh, कहा पर एन बी आर आई नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पे है अपना लखनऊ में है डॉक्टर आर आर पाल विष्णु स्वरूप चंद्रा सेनी या फिर डॉक्टर जे सी भूटानी इसने किया जरा आंसर मुझे बता दें hmm, uh, चंद्रासेनी चंद्र सेनी या चंद्रासेनी यहाँ पर बच्चे आंसर कर रहे हैं नहीं ये तो कर्नाटक वाले का था अभी वाले का करो हम्म इसका भी मुझे लग रहा है पता नहीं है तो इसीलिए चुपचाप तो बैठे हैं सर हम नहीं करेंगे आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई डॉक्टर जे सी भूटानी ने इसको स्टैंडर्डाइज्ड किया हुआ था क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी फोर की तरफ मूव करें सी ओ टू कंसनट्रेशन इन जी एच फॉर रोज कल्टिवेशन जी एच का मतलब ग्रीन हाउस रोज कल्टिवेशन शुड बी रोज के कल्टिवेशन यदि आप कर रहे हैं कहाँ पे ग्रीन हाउस में तो कितना सी ओ टू का कंसंट्रेशन वहां पर चाहिए पंद्रह सौ पीपीएम सात सौ पी पी एम एक हजार से तीन हजार पी पी एम या फिर पाँच सौ से कम एक हजार से तीन हजार पीपीएम के डी ने आंसर किया ओकेजल okay. जैन सी चलिए दोनों ने सी आंसर किया हुआ है बाकी और कोई बाकी और कोई यहां पर नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है एक हजार से तीन हजार पीपीएम सीओ टू की आवश्यकता होती है क्वेश्चन नंबर टू सिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैरीगोल्ड और आज का लास्ट क्वेश्चन क्योंकि ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन पर वीडियो मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ जैसे जैसे पर क्वेश्चन पर वीडियो में लेकर आ रहा हूँ ऑल्सो नोन है स्पॉट मैरीगोल्ड कैलेंडुला फ्रेंच मैरीगोल्ड अफ्रीकन मैरीगोल्ड या फिर डहेलिया इसको हम पॉट मैरीगोल्ड के नाम से जानते हैं ध्यान रखिए हिमांशु शर्मा जी ए कैलेंडुला को ओके okay. कैलेंडुला जितने भी बच्चे यहां पर मुझे देख रहे हैं मैं उनसे एक बात बोलूंगा कि डेली 9 पीएम पर हमारा सेशन होता है शुरू आप 9 पीएम पर डेली आ सकते हैं भाई यहां पर क्लास आप ले सकते हैं एमसीक्यू हॉर्टिकल्चर के चल रहे हैं क्योंकि हॉर्टिकल्चर आप कम पढ़ते हैं हमें जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता हम उसे कम पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ से भी आते हैं अब इसको कैसे कंप्लीट किया जाए इसको जबरदस्ती यहां पर आके पढ़ो तब आपका कंप्लीट होगा ठीक है ए ए ए सारे लोग बता रहे हैं कैलेंडुला बिल्कुल आपका आंसर सही है सभी बच्चों का कैलेंडुला को ही हम पॉट मेरी गोल्ड के नाम से जानते हैं और बहुत अच्छा आप लोगों का जितने बच्चे आते हैं यहां पे उनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है ठीक है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा मैं क्योंकि आप कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते हैं यहाँ पर आप लिख रहे हैं आई आईडेंट नो वगैरह तो डेली नाइन पी पर आपकी क्लास होती है आप उसमें नोटिफाई करके रखिए यदि आप कहीं पर हैं यूट्यूब में तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा कि सर की क्लास स्टार्ट हो गई है नौ बजे रात में हॉर्टिकल्चर का जब अपने मॉडल टेस्ट एंड हो जाएंगे तो इसी टाइम पर आपके और मॉडल टेस्ट स्टार्ट होंगे ठीक है अब थोड़ा ऐसा करेंगे हम कि कुछ डिफरेंट करने की कोशिश जैसे कि हॉर्टिकल्चर चल रहा है तो हॉर्टिकल्चर में कभी मान लीजिए आप सोयल साइंस अपन यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे लेकिन क्लास नौ बजे होगा ये ध्यान रखिए डेली तीन टेस्ट आपके अपलोड होने वाले हैं तीन डोज आपके अपलोड होंगे एक सुबह के नौ बजे एक दोपहर में तीन बजे और फिर एक रात के नौ बजे सुबह का नौ बजे और दोपहर का तीन बजे जो वाली क्लास होगी वो आपकी प्री अपलोडेड रहेगी प्री रिकॉर्डेड रहेगी चलेगी लाइव की तरह प्रीमियर की तरह बट वहाँ पे आके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यदि हो सकेगा तो वो भी लाइव होगी लेकिन 9 बजे वाली आपकी क्लास लाइव होने वाली ओके जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं सभी लोग सेशन को लाइक करके जाइएगा यदि आपको पसंद आता है तो और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करने के साथ में एक कमेंट आप छोड़ दीजिएगा कि सर इस ये ये परेशानी हमें सेशन में आई या फिर जो भी आपके मन में लगे उचित ठीक थी। है तो मिलते हैं फिर अपन कल नौ बजे इसी के साथ बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत